नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज रेडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है और उनकी दूसरी पारी 20 जनवरी 2025 से शुरू होगी। लेकिन व्हाइट हाउस में कदम रखने से पहले ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक राजनीति और खास करके रूस यूक्रेन जंग के समीकरण को बदलने की संभावना को जन्म दे दिया। ट्रंप ने अपने पहले ही भाषण में कहा कि वो युद्ध को रोकने वाले हैं। अब इस बयान का असर कुछ ये हुआ दोस्तों कि यूक्रेन ने संकेत दे दिए कि वो रूस के कब्जे वाले कुछ हिस्सों से अपनी सेनाएं पीछे हटा सकते हैं। अब इससे ये सवाल उठता है दोस्तों कि क्या सच में ट्रंप युद्ध खत्म कराने में सफल होंगे और क्या उनकी रणनीति अमेरिका और नाटो के संबंधों पर भी असर डालेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ट्रंप के युद्ध रोकने के वादे के बारे में। तो ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अपने पहले भाषण में साफ कर दिया कि वे युद्ध नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उन 4 सालों में अमेरिका ने कोई नई जंग नहीं लड़ी थी। इसके जरिए उन्होंने सीधे सीधे बाइडेन की नीतियों की आलोचना भी की। ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध को रोकना चाहते हैं और शांति कायम करना उनका उद्देश्य है। अब दोस्तों, इस बयान के बाद यूक्रेन के सेना प्रमुख ने घोषणा कर दी कि वो रूस के इलाके से अपनी सेना वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं। यूक्रेन के एक सांसद के माध्यम से ये जानकारी सामने आई और कुछ विशेषज्ञ इसे रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की दिशा में पहला कदम मान रहे हैं। अब दोस्तों, यूक्रेन का ये निर्णय इस ओर संकेत करता है कि ट्रंप के प्रभाव से आने वाले समय में यूक्रेन पर शांति वार्ता का दबाव बन सकता है। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि रूस यूक्रेन का ये युद्ध पिछले 31 महीनों से चल रहा है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के बाद इस युद्ध ने कई वैश्विक स्तर पर अस्थिरता फैलाई। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को लगातार सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की ताकि वो रूस के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। लेकिन ट्रंप ने दोस्तों चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वे एक मजबूत और प्रभावी शांति प्रक्रिया लाएंगे। ट्रंप का मानना है दोस्तों कि अमेरिका के संसाधनों को इन युद्धों पर खर्च करने की बजाय घरेलू समस्याओं के समाधान में लगाना चाहिए। अब इसके अलावा वो नाटो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी कड़ी नजर रखने का इरादा रखते हैं, क्योंकि वे इन संगठनों को अमेरिका पर एक बोझ के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ट्रंप का नाटो के प्रति सख्त रुख किसी से छुपा नहीं है। उनका कहना है कि नाटो जैसे संगठनों का उपयोग अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए होता है, लेकिन अब ये संगठन अमेरिका पर आर्थिक दबाव डालते हैं। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका का कर्तव्य है कि वो घरेलू हितों पर ध्यान केंद्रित करे और बेवजह के युद्धों में शामिल होने से बचे। तो दोस्तों, अगर ट्रंप अमेरिका से नाटो का समर्थन घटाते हैं तो यूरोपीय देशों को खुद अपनी सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नाटो के बजट में कटौती हो सकती है, जिसके बाद दोस्तों उन यूरोपीय देशों पर दबाव पड़ेगा जो अपनी जीडीपी का 2% नाटो में खर्च नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि जर्मनी में 12,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि वो इस फोर्स को वहां से हटाने पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ट्रंप के आने से ये संभावना है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली मदद में कटौती होगी। उन्होंने पहले भी जेलेंस्की को एक अच्छे सेल्समैन के रूप में संबोधित किया था और उनकी सैन्य आर्थिक मदद की आलोचना भी की थी। यदि ट्रंप अपने विचारों पर अमल करते हैं तो यूक्रेन के लिए सैन्य और आर्थिक सहायता की स्थिति कमजोर हो सकती है। इससे कीव पर दबाव बढ़ सकता है कि वो रूस के साथ किसी शांति प्रक्रिया का रास्ता अपनाए। ऐसी शांति प्रक्रिया के तहत यूक्रेन को कुछ क्षेत्रीय रियायतें भी देनी पड़ सकती हैं। ट्रंप शायद यूक्रेन को इस शर्त पर मदद जारी रखे कि वो युद्ध का रास्ता छोड़ दे और शांति वार्ता में शामिल हो। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, वो ये है कि ट्रंप युद्ध को किस तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। ट्रंप का एक तरीका ये हो सकता है कि वो यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले हिस्सों को छोड़ने के लिए राजी करे, जैसे कि क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेस्क और खेरसोन। ऐसे इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा है।
और ट्रंप शायद रूस के साथ बातचीत के माध्यम से यूक्रेन को इस पर समझौता करने के लिए कहें। अब मेरा मानना यह है दोस्तों कि अगर ट्रंप रूस के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करते हैं तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि जेलेंस्की और यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए एक दबाव बनेगा। ऐसे में युद्ध के समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं और जेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।